शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवेहरणं सर्वलोकैकनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अतुलित बलधामं हेम शैरावदेहं धनजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगणं सकलगुण निधानं बाराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं बातजा तं नमामि। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करण महेश, जय जय माता भारती, जय जय भारत देश। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, दास जान प्रभु राखी हैं सीतापति रघुवीर। तुलसी कबीरवा बागमा सींचे से कुंभल्याए, पड़ा रहे दो राम भरोसे पर्वत परो हरियाए। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, जय जय श्री रघुवीर। सत्ययुग में सत्य सार शीतल स्वभाव माँ, पंचरंग अचरा की तोर परिछैया माँ। लाखों लोग आए के हानि लावे दुख सुखो, हर जीवन में लाग रहे जप जस अप जस की बिच बिच धुप छैया माँ। लाखों लोग वाय के खाएगे तलैया लोक, मारी हो कैया बैस लरी कैया माँ, तैया टैया की लगाए आस, बैया बैया रेंग रहो माँ तोरी अंगनैया माँ। करो वंदना गुरुन की फिरी हनुमत बलधाम, वाल्मीक श्री राम चंद्र बाबा तुलसी सहित प्रणाम। कथा शुभारंभ हो तो है सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजियो
दीन बंधु भगवान। एक बार प्रेम सुर वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो राघव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सभी भक्तों की, धरती माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, मैया अनसुईया, सीता, सावित्री, राधा, रुक्मणी, गार्गिल, भारत की फूल बाग में खिलने वाली सभी हमारी भक्ति स्वरूपा देवियाँ, माताएं एवं बहनें, इस कार्यक्रम के आयोजक सभी हमारे गढ़वा के भाई बंधु एवं प्रधान जी का सहयोग, साथ उनके सभी सहयोगी गण, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी आए हुए बहुत दूर दूर से, नात रिश्तेदार लगे लगाए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको न्योता मिला वो भी आए, जिनको निमंत्रण नहीं मिला वो भी आए। हम अपने राम प्रताप प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। दो बार भगवान नाम हो जाए फिर आज की कथा सुनो भैया, बड़ी सुंदर कथा थी और कथा आप लोग सुनेगा, बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। थोड़ा विलम्ब हो गया भैया, कार्यक्रम था आज अमावा में, तो वहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया है, वहाँ का कथा संपन्न होके तब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, थोड़ा विलम्ब हो गया, प्रॉब्लम के लिए हम आपसे क्षमा चाहते। दो बार भगवान नाम बोले फिर आज की कथा आप लोग सुने, दो बार भगवान नाम हो जाए, अंतःकरण पवित्र किया जाए, फिर कथा में ले चला जाए और सुनिए कथा भैया। दो बार भगवान नाम बोलो सभी लोग भैया बहने। गोपियां भगवान से प्यार करती हैं, गोपियां भगवान से प्रेम भी करती हैं और भगवान को ऐसा ए भगवान से गोपियां प्रेम भी करती हैं और गोपियां ये भी समझती हैं कि कन्हैया जान न पावे कि हमसे प्यार करते हैं। तो जब गोपियां माखन भगवान जब जानते कि ये हमसे प्रेम करती हैं तो भगवान बोले कि हमका अपन माखन खवाओ, तो गोपियां बोली माखन ना खवाई, तो भगवान बोले तुम्हारी गगरी फोड़ डाला, हाँ और गगरी फोड़ डाला। तो गोपियां जब कहती गगरी का है फोड़ रही हो, तो भगवान पकड़ के हाथ मिरवाती हैं, तो गोपियां कहती है कन्हैया सुन ले, हम तुमसे प्रेम नहीं करती और तुम हमारा पीछा छोड़ दे बा। सभी लोग दो बार भगवान नाम बोलो, आह सभी लोग दो बार भगवान नाम बोलो भैया। गोपियां कहती हैं अरे बहिया ना मिरो रो रई 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 रई, बहिया ना मिरो रो मोर काना, बहिया ना मिरो रो मोर काना, सालनी होगी
जिनकी बाह पकड़े भगवान माखन मांग रहे, और ब्रजवासियां कहती है कन्हैया माखन ना दे। और त्रेता में यह सखियां भगवान से मांगा था, कन्हैया कौन दिन वही तो तुम हमारे बाह पकड़ गई हैं, हमसे कहिया हमारी वर आओ। अच्छा अच्छा हमारे भैया राम किशोर भैया जी की तरफ से ये 100 रुपया भगवान के चरणों में और 30 रुपया हमारे लिए परमात्मा से कामना करता हूँ। ठीक ठीक बैठो चलो, भगवान से कामना करता हूँ, नारायण जी कृपा करें। आओ बहनों बहनों भाइयों को हम आपको कथा सुना दें। आज की कथा बड़ी सुंदर है, आज की कथा बड़ी विलक्षण है, और ये आज 4 दिन से कथा हो रही है जिंदगी बनावे वाली। एक कथा होती है जिंदगी बनावे वाली और यहाँ का कथा होती है मरे वाली। तो आज कथा सुनाएंगे, कौन सी कथा सुनने से जीवन बनता है और कौन सी कथा सुनने से मौत बनती है। तो 4 दिन हम आप लोगों ने जीवन बनाया और आज हम मौत बना लेते, मैं मरे माराम हो जाए। बड़ी मतलब की बात है भैया।
राम की कथा सुनोगे तो जीवन बनेगा, राम की कथा सुनोगे तो जीवन बनेगा, और भागवत की कथा सुनोगे तो मौत बनेगी। राम की कथा सुनी गई कब? जब जीवन बना रहा तब। ठीक ठीक, राम की कथा सुनी गई कब? जब जीवन बना रहा तब। और भागवत की कथा सुनिन परीक्षित जब मौत आए गए तब। तो आज की कथा है भैया महाभारत की। भैया लोगों ने प्रयास किया महाराज यही कथा सुना दो, तो चलो हम यही कथा सुनाई देते। भैया हमका तो गवहक है नहीं? तो चलो यही कथा गा देते, और इस कथा में तमाम बातें मिलेंगी। कथा हमारे कोई सुनो, लेकिन कथा में आपको हम नई बात जरूर बताएंगे। कथा का मूल क्या है? बहनों, अपने बेटी अपने बेटे का नाम कभी अपने हाथ से मत रखना। भरी जवानी में संतान दुख पाएगी, किसी साधु संत से नामकरण जरूर करवा लेना। नंबर दो, माताओं अपने पति से कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा सुनो। और बहनों से कामना करता हूँ कि मैं ससुराल मगर सुख मिल जाए तो मायके वाले का यहाँ कबहू ठुकरायो ना। यूँ कबहो ना कह दो कि मायका नाई जाब कबहू, है ना? ना ऐसी ऊंची बात बोलने से कितना दुख मिलेगा सुनो। और ये कथा उस समय की है, ये ना कथा है भैया राम जी की और ना ये कथा है भागवत की। कुल मिला के ये कथा का सब सार है, और कथा में बड़ा आनंद आएगा सुनो भैया। और इस कथा को सुनने से कहते हैं कि जो भरपूर कथा सुन लेता है उनके पूर्वज भी सुख शांति में हो जाते, जो नरक में है या स्वर्ग में उनकी आत्मा को भी शांति पहुंचाती कथा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था, राजन इस कथा को सुनने से जो स्वर्ग में आत्माएं भ्रमित हो रही हैं उन आत्माओं को भी विश्राम मिलता है। तो सुनो बहनों, ये कथा उस समय की है जिस समय चक्रव्यूह का युद्ध होने जा रहा। भीम ने उठाया गदा और गदा उठा करके भीम चल पड़ा। तो जब भीम उठा के गदा चल पड़ा तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आ गया और अपने बाबा से बोला, बाबा बाबा, अर्जुन के लड़का समरथ बैठे पुरखन कौन परी परवाए। अभिमन्यु बोला, बाबा अरे जब लड़का पोता जिंदा हो जवान हो तो बप्पन कम चिंता है। और एक बात और बताई, जवाने आदमी के रे जोश और बुढ़ावा के रे होते हैं होश।